कोसम कृपा करो कृपा करो कृपा करो हे प्रभु नाम तेरा होठों पे जरा दिल चाहता है दर्शन तेरा सुन ले हमारी आए शरण तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन पूजन तुम्हारा करते हैं हम कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम कृपा करो कृपा करो हे प्रभु धन्य है आप कुवारी मरियम सर्वोच्च प्रभु ईश्वर ने आपको पृथ्वी की सब नारियों में अधिक मर्यादित किया है ईश्वर ने आपको इस भांति महिमान्वित किया है कि मानव जिह्वा सदा सर्वदा आपका कीर्तिगान करती रहेगी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु येसु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ हमारे मसीह येसु में विश्वास करने वाले प्यारे भाइयों बहनों हम मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हुए हैं आइए हम उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमें एकाग्रता मिले हम अच्छी तरह ध्यानपूर्व भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ ये मिसा बलिदान में भाग ले सके आज सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं जो लोग प्रभु 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 पुकारने वाले नहीं बल्कि जो उस यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हैं सच्चा भक्त तो हम उन क्षणों के लिए प्रभु से कृपा मांगे जब हम केवल प्रभु प्रभु ही पुकारा है उनके वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया है हमारे ईश्वर करुणालु हैं दयालु हैं करुणा सागर हैं हम उस प्रभु के सानिध्य में जाकर हमारे पापों के लिए माफ़ी मांगे हे भाइयों बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है इसलिए मैं नित्य कुवारी मरियम से सप्तरुद्धो संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे आमीन हे प्रभु दयाकर हे प्रभु दयाकर हे क्रिस्त दयाकर हे क्रिस्त दयाकर हे प्रभु दयाकर हे प्रभु दयाकर हम प्रार्थना करें हे प्रभु हम परम पवित्र कुवारी मरियम की महिमामय स्मृति का आदर कर रहे हैं ऐसी कृपा कर कि उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरे कृपा की पूर्णता के सौभाग्य बन जाएं हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन योग्य रीति सुना सके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन पहला पाठ
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 14 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार समझकर यह कह रहा हूँ, आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसीलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इसराइलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं है? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह कि देव मूर्ति का कुछ महत्व है, किंतु धर्मग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अबदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अबदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अबदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अबदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष, आलिलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। आलिलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है जानते हो वह किसके सदृश हैं? वह उस मनुष्य के सदृश हैं जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है।
जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह गढ़ जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब भी हम घर बनाते हैं या बनवाते हैं, तब हम प्राकृतिक आपदाओं का ध्यान देते हैं, जैसे कि प्रकृति में बाढ़ है, आंधी तूफान है, जल प्रलय है, भूकंप है। तो इन सारे चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए हमारा घर मजबूत बनाता है, हमारे घर के लिए अच्छी नींव डालती हैं, और इस प्रकार हम हमारे घर को बनाते हैं और हमें किसी बाढ़ से, जल प्रलय से या आंधी तूफान से, भूकंप से डरने की चिंता नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी इसी प्रकार हम लोगों को प्राकृतिक आपदाओं नहीं बल्कि आध्यात्मिक आपदाओं को देखना चाहिए। आध्यात्मिक आपदाओं का मतलब यह है, जैसे कि बुरे शक्तियों के बीच में जाना, उनके पकड़ में आना, और मृत्यु है, इत्यादि चीज इस दुनिया में है। तो हमें जिस प्रकार हमारा घर हम सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार हमें ये सोचना है इन सारे दुष्ट आत्माओं से बाहर आने के लिए, उनके पंजों से बाहर आने के लिए और मृत्यु से बाहर आने के लिए, मेरी आत्मा को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो इसलिए हम देखते हैं इस दुनिया में सारे के सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति मरने के बाद जी उठे हैं, वही है प्रभु ईसा मसीह, और वही व्यक्ति हमें अमरता दे सकते हैं, आनंद जीवन दे सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, कई बार प्रभु ईसा मसीह ने कहा है, संत यौहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 51, मेरे वचनों के अनुसार जो जीवन ले चलता है, जीवन बिताता है, वह कभी नहीं मरेगा। और संत यौहन के सुसमाचार अध्याय 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए और मुझे स्वीकार करते मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा। और आज के अक्लमेशन में हम लोगों ने सुना, जय घोष में हम लोगों ने सुना कि संत यौहन के सुसमाचार दिया 14:23 में कि प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताओगे। तो हम लोगों को ईश्वर को प्यार करना है और हमें भी प्यार करना है, हमारे जीवन सुरक्षित रखना है, और इस कारण से हम लोगों को हमारी आत्मा को प्रभु ईसा मसीह रूपी चट्टान पर बनाना है। हमारे जीवन को उस चट्टान पर हम लोगों को बनाना है, प्रभु ईसा मसीह के वो चट्टान जो है उसके ऊपर जीवन बनाने का मतलब यह है, प्रभु ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताना, यीशु के वचन का या शिक्षा की सार क्या है, वो है संत मत्ती के सुसमाचार 22:37 में कि ईश्वर को प्यार करो, पड़ोसी को भी प्यार करो। कि हम लोगों को हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमारे हृदय से, हमारे शुद्ध हृदय से हमें अच्छा फल उत्पन्न करना है,
आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि पेड़ उसके जो फल हैं उससे पहचानता है पेड़ को। पेड़ में सीमा है कि एक पेड़ जो है केवल एक ही प्रकार का फल दे सकते हैं, लेकिन हम जो इंसान जो हैं हम हमारे जीवन से बुरा फल या अच्छा फल दे सकते हैं। अगर हमारे जीवन में हर अवस्था में हर परिस्थिति में अच्छा फल उत्पन्न करना है तो हमें ईश्वर से जुड़े हुए जीवन बिताना है। तो हमारे जीवन के सत्कर्मों के आधार पर हम लोगों को आनंद जीवन मिलेगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। माता मरियम का दिन आज है। माता मरियम के बारे में वचन कहता है, पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा कहता है कि धन्य है आपका गर्भ का फल। तो माता मरियम ने अपने सुंदर जीवन के द्वारा संसार को सबसे उत्तम सबसे बेहतरीन फल प्रदान किया है, वो है प्रभु ईसा मसीह। और इसी बुलाहट हम लोगों को भी मिला है कि हम भी यीशु से जुड़े रहकर हम अच्छा फल इस दुनिया में दे। आइए वही प्रभु से हम प्रार्थना करें। यीशु कहते हैं यौहन के सुसमाचार 15:5 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अच्छा फल नहीं ला सकते हो। वह यीशु से जुड़े रहकर हम जीवन में आगे बढ़े। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाई तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। कुछ तेरा तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा, दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम आनंद मुक्ति की ओर अग्रसर हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और द्वितीय कुमारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से
इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए आनंद ज्योति हमारे प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभु तो तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काम उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, और जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर।
हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते संध्योन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 में येसु हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताओगे, आज्ञाओं का पालन करोगे। आइए हम पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से कृपा मांगे कि प्रभु ईसा मसीह के वचनों के अनुसार हम जीवन बिता सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हमारे मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्व उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू अनेक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य है जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे येसु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपने दीन दासी पर दया दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गीय भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्म जन्मे तेरे पुत्र क्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सके। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तू मोती की राह